भारत के महापुरुषों में एक कपिल मुनि भी हैं, जो प्राचीन महान ऋषियों में से एक हैं। इन्हें सांख्य शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। कपिल मुनि एक यौगिक तपस्वी थे। इनके जन्म स्थान और जन्म समय के बारे में सही वर्णन नहीं ज्ञात है। कपिल मुनि की माता का नाम देवहूति व पिता का नाम कर्दम ऋषि था। देवहूति भगवान ब्रह्मा जी की पुत्री थी। कपिल मुनि अपने माता पिता की 10वीं संतान थे। उनसे पहले उनकी 9 बहनें थीं। बाल्यावस्था में ही कपिल मुनि ने अपनी माता को सृष्टि व प्रकृति के 24 तत्वों का ज्ञान प्रदान किया था। उन्होंने माँ को बताया था कि मनुष्य का शरीर देवताओं की भांति ही होता है, किंतु उसका ज्ञानी होना जरूरी है। ज्ञानवान पुरुष देवताओं से भी अच्छे होते हैं। भक्ति, योग, यज्ञ, तीर्थ, दान और व्रत आदि को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना चाहिए। जब तक सांसारिक तृष्णा नहीं छूटती, तब तक भक्ति योग की प्राप्ति कठिन है। भक्ति व ज्ञान ईश्वर की कृपा से ही संभव है। कपिल मुनि अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के विचारक व अथाह ज्ञानवान थे। उन्हें ब्रह्मांड के सृष्टि विकास संबंधी सिद्धांत का आदि प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा निष्क्रिय ऊर्जा की अवधारणा को स्पष्टता दी। उन्होंने जो ज्ञान अपनी माँ को दिया था, वही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश के रूप में सुनाया था। कपिल मुनि का श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन इस प्रकार से है। अक्षत्थ अश्रत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जितने भी वृक्ष हैं, उनमें सबसे उत्तम वृक्ष पीपल का है और वो मैं हूँ। देवों में नारद मैं हूँ, सिद्धों में कपिल मैं हूँ। ये मेरे ही अवतार हैं।